Hello, all my beautiful viewers. Welcome to Dimple Khanna's cooking classes. आज हमारा online latest pre-recorded video workshop ready हुआ है exclusive Chinese का. तो table पे जो आप बहुत ज़्यादा scrumptious view देख रहे हैं, ये हमारी नवी online pre-recorded video class of exclusive Chinese. इसमें हमने पूरा chopping से लेके सारे details आप लोगों को सिखाए हैं. How to chop the vegetables in professional style, how to saute the vegetable, how to toss the vegetables, boiling से लेके जितने भी सीक्रेट उसके फ्लेवर्स होते हैं, फ्लेवर एनहांसिंग जो चीजें होती हैं, सब कुछ हमने वीडियो में स्क्रैच से सिखाया है. ये 100% प्योर वेजिटेरियन क्लास है. इसके अंदर हमने पूरी 20 रेसिपीज स्क्रैच से सिखाई है. हमने क्लासिक रेसिपीज भी कवर की है, डिजाइनर रेसिपीज भी कवर की है. पूरा डिटेल हमने वीडियो में बहुत अच्छे से सिखाया है. आइए आपको एक एक करके बताते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या सिखाया है. तो ओवर टू शेफ गुरमेर सिंह खन्ना, जो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आज के वर्कशॉप में हमने क्या क्या कवर किया है. हेलो ब्यूटीफुल पीपल. तो आज आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही स्पेशल क्लास है चाइनीज क्यूजीन की. आप देख सकते हैं हमारी जो सबसे फर्स्ट और ब्यूटीफुल रेसिपी मैं आपको बताऊंगा, ये है हमारी बर्न गार्लिक फ्राइड राइस की. आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल जो इसका लुक आ रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कलर्स चाइनीज क्यूजीन में, चाइनीज कुकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टॉसिंग टेक्निक्स जो होती है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जो आपके जो वेजिटेबल्स आप ऐड करते हैं उनको क्रंची कैसे रखना है, लेकिन साथ ही साथ कुक कैसे करना है. प्रॉपर जो लेवल होता है कुकिंग का, जो प्रॉपर टेक्निक्स होती है कुकिंग की, टॉसिंग से लेके सॉटिंग तक सारी जो ब्यूटीफुल टेक्निक्स है हमने आपको ये क्लास में स्क्रैच से बताई है. अब हम जाएंगे हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है सेजवान नूडल्स. आप देख सकते हैं नूडल्स की बॉइलिंग से लेके हमने आपको सेजवान सॉस कैसे टॉस करना है, सेजवान सॉस बनाना कैसे है, नूडल्स को जो है वो प्रॉपर फ्लेवर्स कैसे देने हैं, जो चटपटा स्पाइसी और एक जो हिंट ऑफ सारनेस होती है, वो जो सारे ब्यूटीफुल फ्लेवर्स कैसे आने चाहिए हमारे रेसिपी में, वो हमने आपको पूरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हर रेसिपी में कवर किए हैं. उसके बाद अब हम आएंगे हमारी ब्यूटीफुल पनीर चिली की तरफ. बहुत लोग इसे चीज चिली भी कहते हैं और बहुत लोग इसे पनीर चिली भी कहते हैं. तो आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल हमारी पनीर चिली की ये रेसिपी है. आप देख सकते हैं जो ब्यूटीफुल कलर्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं फ्राइंग के, टॉसिंग के, वो सारे कवर किए गए हैं. अब हम आएंगे हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो की है वेजिटेबल फ्राइड राइस. आप देख सकते हैं जो वेजिटेबल्स, जो ब्यूटीफुल कलर आ रहा है, जो प्रॉपर राइस की कुकिंग की टेक्निक्स होती है, कितना राइस कुक करना है, कितना राइस बॉईल करना है, टॉस कैसे करना है, कब क्या चीज ऐड करनी है, वो सब पॉइंट्स हमने आपको ये क्लास में बताए हैं. उसके बाद अब हम आएंगे हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है वेजिटेबल चाउमीन. इसे वेजिटेबल हाका नूडल्स भी कहा जाता है. और आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल, कितनी कलरफुल हमारी ये रेसिपी है. अब हम जाएंगे हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है सेवन ज्वेल नूडल्स. आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं हमारे नूडल्स. इसमें हमने 7 टाइप्स के ज्वेल डाले हैं. आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिपी होती है, क्योंकि ये एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, जो कि आपके हर फैमिली मेंबर को या फिर आपके कस्टमर या गेस्ट को पसंद आएगी. उसके बाद अब हम नेक्स्ट हमारी रेसिपी की तरफ जाएंगे, जो कि है चिली गार्लिक नूडल्स. आप देख सकते हैं जो प्रॉपर गार्लिक को फ्राई कैसे करना है, जो प्रॉपर फ्लेवर्स कैसे ऐड करने हैं, जो टेक्निक्स होती है टॉसिंग की, सॉटिंग की, वो सब हमने इसमें कवर की है. उसके बाद अब हम आएंगे हमारे वेजिटेबल मंचूरियन की तरफ. जो प्रॉपर वेजिटेबल मंचूरियन कैसे स्क्रैच से बनाना है वो हमने आपको बताया है, टॉसिंग कैसे करनी है, जो प्रॉपर फ्लेवर्स, जो चीजें ऐड करनी होती है, जो सॉसेस ऐड करनी होती है, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि बहुत रेसिपीज में स्किप हो जाता है कभी, ये हमारे रेसिपीज में, कोई भी रेसिपीज में, कोई भी क्लास के कभी स्किप नहीं होता है, क्योंकि हम आपको हर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा बताते हैं और हमारे रेसिपीज में कवर करते हैं. उसके बाद अब हम नेक्स्ट हमारी रेसिपी की तरफ जाएंगे, जो कि है वेजिटेबल हांगकांग. ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और स्पेशल रेसिपी है, स्पेशली जिनको वेजिटेबल्स बहुत अच्छे लगते हैं उनके लिए है. उसके बाद अब हम नेक्स्ट जाएंगे हमारे वेजिटेबल सेजवान राइस की तरफ. आप देख सकते हैं कितना वाइब्रेंट कलर आया है हमारे सेजवान राइस का, और उतना ही चटपटा एंड स्पाइसी और एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लेवरफुल इसका टेक्सचर और अरोमा है और उसी का फ्लेवर्स है. नेक्स्ट अब हम आएंगे हमारे ब्यूटीफुल बेबीकॉर्न हॉट गार्लिक की तरफ. आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल रेसिपी है, और जिनको वेजिटेबल्स बहुत पसंद है और स्पेशली जिनको हॉट गार्लिक सॉस बहुत पसंद है, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है उनके लिए. उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे हमारे अमेरिकन चॉप्सी की तरफ. स्पेशली हम इंडियंस को इतना पसंद है ये ब्यूटीफुल रेसिपी, हम इंडियंस को ही, और बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्सचर्स और फ्लेवर्स का कॉम्बिनेशन है ये. आपको जो है
राइस कैसे जो प्रॉपर सॉरी जो नूडल्स कैसे फ्राई करने हैं वो भी हमने आपको पूरे स्क्रैच से बताया है, सॉस कैसे बनानी है वो भी पूरी स्क्रैच से कवर की गई है। उसके बाद हम आएंगे हमारे ट्रिपल सेजवान राइस की तरफ। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सेटअप किया है हमने, ये इसमें सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और जो सारे जो तीनों पॉइंट्स होते हैं ये रेसिपी के वो भी हमने आपको स्क्रैच से सिखाए हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट हमारी कॉलीफ्लावर मंचूरियन की तरफ। इसे गोभी मंचूरियन भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेसिपी है और बहुत ही फुल ऑफ फ्लेवर्स एंड फुल ऑफ टेक्सचर्स की है। उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे हमारे वेजिटेबल लॉलीपॉप की तरफ। ये जो ब्यूटीफुल वेजिटेबल लॉलीपॉप है हमने आपको पूरा स्क्रैच से बताया है कि वेजिटेबल लॉलीपॉप कैसे बनाना है, उन्हें टॉस कैसे करना है, उन्हें फ्राई कैसे करना है, पूरे जो टेक्निक्स है वो सारे कवर किए गए हैं ये रेसिपी में। उसके बाद अब हम आएंगे हमारे हाका साका की तरफ। आप देख सकते हैं हमारा हाका साका कितना ब्यूटीफुल है। जो फ्लेवर कॉम्बिनेशन होता है, जो टेक्सचर कॉम्बिनेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये रेसिपी में, और जो प्रॉपर टॉसिंग टेक्निक्स होती है वो पूरी ये रेसिपी में कवर की गई है। उसके बाद अब हम आएंगे हमारे हनी चिली पोटैटो की तरफ। ये एक रेसिपी है जो सारे टीनेजर्स किड्स को बहुत पसंद आती है और बहुत ही फुल ऑफ फ्लेवर्स रेसिपी होती है, जो क्रंचीनेस होनी चाहिए, जो सब पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, हमने ये सारे कवर किए हैं ये रेसिपी में। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही लवली रेसिपी है हमारी। उसके बाद अब हम आएंगे हमारी सेजवान मंचूरियन की तरफ। ये आप देख सकते हैं जो प्रॉपर टेक्निक जो होते हैं मंचूरियन को क्रिस्पी कैसे बनाना है, उन्हें सॉगी नहीं होने चाहिए बहुत जल्द, वो पूरे टेक्निक्स हमने कवर किए हैं। प्लस हमारी जो प्रॉपर सॉस होती है वो भी कैसे बनाना है हमने इसमें सिखाया है। उसके बाद अब हम आएंगे हमारी ब्यूटीफुल सेजवान सॉस की तरफ। सेजवान सॉस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिपी होती है स्पेशली चाइनीज क्यूजीन में, तो वो हमने आपको स्क्रैच से कैसे बनाना है वो बताई है। प्लस हमारी जो लास्ट और ब्यूटीफुल रेसिपी है वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स की, वो भी हमने कवर की है ये क्लास में। वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स की शीट्स कैसे बनाना है वो भी स्क्रैच से बताया है, जो फिलिंग कैसे बनती है वो भी बताया है, और उसे क्रिस्पी कैसे रखा जाए, क्रिस्पी फ्राई कैसे किया जाए, वो सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। अब ओवर टू मिसेस डिंपल खन्ना। और जो हमारा वीडियो का लाइव टाइम एक्सेस आपको मिलता है तो फेसबुक।